आज का एपिसोड शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि इट विल हेल्प अस टू इंक्रीज अवर रीच। नाज़रीन, इंडिया के अंदर ये जो सिख किसान पिछले 3.5 महीने से प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं, जिससे इंडिया की ऑलरेडी काफी बदनामी हो चुकी है और इन सिख किसानों ने दुनिया को दिखा दिया है कि इंडिया बेसिकली एक इंतहा पसंद टोले के रहम करम पे आ चुका है, जिनके नजदीक पब्लिक या किसानों की जो डिमांड्स है उनकी कोई अहमियत नहीं है। और अब इस सिलसिले में स्वीडन की जो वीडेम इंस्टीट्यूट है, इसकी जो हालिया रिपोर्ट आई हुई है, उसमें भी कहा गया है कि इंडिया अब डेमोक्रेसी नहीं रहा। इसके अलावा अमेरिका की फ्रीडम हाउस की जो रिपोर्ट आई हुई है, उसमें भी कहा गया है कि इंडिया अब फ्री कंट्री नहीं रहा, जिसपे बीजेपी सरकार ने इस अमेरिकी इदारे को खूब कोसा है, खूब उसको गालियां दी हुई हैं और बुरा भला कहा हुआ है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लिए ये कहने के लिए कि इंडिया के अंदर किसी को आज़ादी हासिल नहीं है। बहरहाल, कश्मीर, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और किसान आंदोलन ने मोदी सरकार की नींदें हराम कर रखी हैं और अब आलमी लेवल पर ये सब चीज़ें नोट की जा रही हैं कि इंडिया के अंदर ये हो क्या रहा है। इस महीने 26 मार्च को, यानी ये जो मार्च चल रहा है, इसके 26 तारीख को किसानों के जो आंदोलन है, इसके 4 महीने पूरे होने जा रहे हैं। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि 4 महीने से किसान ये डिमांड लेके बैठे हुए हैं कि मोदी साहब बराए मेहरबानी हमें मल्टीनेशनल्स और प्राइवेट सेक्टर के रहमो करम पे ना छोड़ें, हमें सरकार के रहमो करम पे ही रहने दें, हुकूमत के रहमो करम पे रहने दें, यहाँ पे हमारे लिए सिक्योरिटी है और यहाँ पे हमारा मुस्तकबिल है, हमें प्राइवेट सेक्टर के हवाले ना करें। लेकिन मोदी साहब हैं और उनकी सरकार है कि टस से मस नहीं हो रहे, और मोदी साहब की इस हुकूमत को इन लाखों किसानों के एहतजाज से, इनके प्रोटेस्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और अब इंडियन मीडिया को भी ये कहा गया है कि किसानों को ज़्यादा कवरेज देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस सिलसिले में 26 मार्च को, अब जब इस किसान आंदोलन के 4 महीने पूरे होने जा रहे हैं, तो इस मौके पे किसानों ने एक बार फिर पूरे इंडिया को ब्लॉक करने का, पूरे इंडिया को बंद करने का ऐलान कर दिया है। और किसानों ने यह भी ऐलान कर दिया है कि ज़रूरत पड़ने पर लाखों ट्रैक्टर्स लेकर हम पार्लियामेंट में भी चले जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने रिपब्लिक डे के मौके पर हजारों की तादाद में ट्रैक्टर्स दिल्ली के अंदर डाल दिए थे, वैसे ही लाखों ट्रैक्टर्स हम पार्लियामेंट के अंदर भी लेकर आ जाएंगे अगर हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होती। अच्छा, बीजेपी सरकार के लिए यह भी एक बहुत बड़ी मुसीबत है कि सिख कम्युनिटी इंडिया की उन चंद कम्युनिटीज में से एक है जिनकी एक बहुत बड़ी प्रेजेंस है बाहर के मुल्कों में, खासतौर पर कैनेडा और अमरीका के अंदर। और इन प्रोटेस्ट में वहाँ के जो अफराद हैं, कनाडा के सिख जो हैं और अमेरिका के सिख जो हैं, ये भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, जिस वजह से बीजेपी सरकार और इंडिया की रेपुटेशन आलमी तौर पर इंटरनेशनली काफ़ी ख़राब हो रही है। और आपको इसका प्रूफ फ्रीडम हाउस की जो हालिया रिपोर्ट आई है, इस सूरत में भी देखने को मिल सकता है। लेकिन इस सब के बावजूद बीजेपी सरकार ने ये वाजे कर दिया है कि चाहे आसमान टूट पड़े या ज़मीन हिल जाए, हम ये फार्म लॉज वापस नहीं लेने जा रहे। और इसकी सबसे बुनियादी वजह यह है कि बीजेपी सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को और मल्टीनेशनल इनको इस चीज़ की यकीन दहानी करवा के रखी हुई है कि ये फार्म लॉज बिल्कुल वापस नहीं होंगे। और ये वो हजरात होते हैं जो कि इलेक्शन के कंपेन्स में बीजेपी सरकार को फाइनेंस कर रहे होते हैं, लिहाजा बीजेपी सरकार इन मल्टीनेशनल्स को और इन इन्फ्लुएंशियल हजरात को किसी सूरत नाराज नहीं कर सकती, भले ही सारा साल ये फार्मर्स बैठे रहें। लेकिन बीजेपी सरकार की इस हठधर्मी के चर्चे अब यूरोपीय मुल्कों के पार्लियामेंट में भी सुनाई देने लगे हैं। जी हाँ, हाल ही में यूके के पार्लियामेंट के एक सिख मेंबर गुरुज सिंह साहब ने फार्म लॉज पर यूके के पार्लियामेंट के अंदर बहस करने के लिए एक पिटीशन दाखिल की, जिस पे इंडिया गुस्से से आग बगुला हो चुका है। और यूके के सफीर एलेक्जेंडर एलिस से इस बात पर प्रोटेस्ट भी इंडिया ने किया हुआ है कि आपके मुल्क की पार्लियामेंट के अंदर हमारा इंटरनल मैटर क्यों डिस्कस किया जा रहा है, बराए करम इन चीज़ों को रोकें और हमारे जो इंटरनल मैटर्स हैं इसको अपनी पार्लियामेंट में डिस्कस मत करें। बहरहाल, बीजेपी सरकार की जिद की वजह से अब इंडिया की ये हरकत दुनिया के दूसरे मुल्कों के पार्लियामेंट्स में भी डिस्कस होना शुरू हो चुकी है, जो कि इंडिया के लिए अलार्मिंग बात है।
और अफसोस की बात यह भी है कि अब तक इस प्रोटेस्ट में 248 फार्मर्स हलाक हो चुके हैं, 248 लोगों की मौत भी वाकई हो चुकी है, जिनमें से कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बीजेपी सरकार की हठधर्मी और उनके गलत फैसलों के खिलाफ प्रोटेस्ट में खुदकुशी ही कर डाली है। यानी हालात इस कदर ख़राब हैं कि लोग खुदकुशियां कर रहे हैं प्रोटेस्ट में आके, लेकिन इस सब के बावजूद बीजेपी सरकार का किसी किस्म का कोई मूड नहीं है नियर फ्यूचर में ये फॉर्म लॉज वापस लेने का। और उधर किसानों का भी कोई मूड नहीं है, जब तक ये फॉर्म लॉज वापस नहीं लिए जाते तब तक वहां से उठने का उनका भी कोई मूड नहीं है। तो दोनों फरीक जो हैं ये जिद पे अड़े हुए हैं अभी तक। साथियों, मैं आज देश के किसानों को बड़ी नम्रतापूर्वक अपनी बात बताना चाहता हूं, संदेश देना चाहता हूं। आप किसी भी तरह के भ्रम में मत पड़िए। इन लोगों से देश के किसानों को सतर्क रहना बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों से सावधान रहे जिन्होंने दशकों तक देश पर राज किया और जो आज किसानों से झूठ बोल रहे हैं। वो लोग किसानों की रक्षा का ढिंढोरा पीट रहे हैं, लेकिन दरअसल वे किसानों को अनेक बंधनों में जकड़कर रखना चाहते हैं। वो लोग बिचौलियों का साथ दे रहे हैं। वो लोग किसानों की कमाई को बीच में लूटने वालों का साथ दे रहे हैं। जो हजारों किसान भाई बहन बुजुर्ग बच्चे दिल्ली की ठिठुरती सर्दी में इस सरकार से अपना हक मांगने और इंसाफ मांगने जमा हुए हैं, आप सबको मेरा सलाम। इस मुल्क की हुकूमत जिस तरह का बर्ताव कर रही है आप लोगों के साथ, वो मुझे याद दिलाता है एक ऐसे दखियानूसी माँ बाप की, जिनका बच्चा अगर संतराश बनना चाहे या मुसव्विर बनना चाहे तो उससे कहा जाता है कि तुम्हें नहीं मालूम तुम्हें क्या चाहिए, तुमसे बेहतर हमें मालूम है कि तुम्हारे लिए क्या चीज़ फायदेमंद है। मेरे ख्याल से जो इंसान अपनी कुव्वत बाजू से जमीन में हल जोतता है, जो उसी जमीन में अपनी मेहनत और मोहब्बत के साथ बीज बोता है, जो उस धरती को सींचता है और जो उस फसल को अपनी औलाद की तरह पालता पोसता है, उससे बेहतर कोई नहीं जानता कि उसके लिए क्या फायदेमंद है। ये हुकूमत हजार आपको नादान बच्चे की तरह या गद्दारों की तरह आपको बदनाम करने की कोशिश करे, मुझ जैसे लाखों लोग हैं जिनकी दुआएं आपके साथ हैं, जिनके लिए आप सब ताकत सब्र और हिम्मत की मिसाल हैं। आप लोगों के लिए अल्लामा इकबाल जैसे शायर ने कहा था कि आप हैं नाज़िमे गुल पासबाने रंग बू गुलशन पनाह नाज परवर लहलहाते खेतों का बादशाह। हमारे अन्नदाता, हमारे परवर, हमारे सरपरस्त। इंशाल्लाह आप अपनी मंजिल पे जरूर पहुंचेंगे।